ओके, गुड इवनिंग बच्चों। चलिए सब लोग तैयार है ना? जैसा कि आपको 11th क्लास में आपको मैंने बताया था कि आज हम शाम को 9 बजे, रात में 9 बजे क्विज स्टार्ट करेंगे लॉज ऑफ मोशन के लिए। ठीक है, तो आज हम कुछ एक क्वेश्चंस लेके आए हैं जो आप इनके जवाब देंगे। तो स्टार्ट करें, सभी लोग आ गए होंगे। तो इसमें क्या करेंगे, जैसे क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा और आप उनके आंसर्स देखते जाएंगे, ऑप्शंस उनके देखेंगे, ध्यान से पढ़ते हुए उनके जवाब देंगे। ठीक है, और 2 मिनट का मुझे लगेगा कि इसमें 1 मिनट ही लगेगा सॉल्व करने में, तो 1 मिनट का टाइम दूंगा। आधा मिनट लगेगा, सिंपल थ्योरी बेस्ड है तो आधा मिनट दूंगा। मुझे लगेगा इसमें न्यूमेरिकल करना पड़ेगा थोड़ा सा, तो हो सकता है 2 मिनट दे दूं। 2 मिनट से ज़्यादा समय आपको नहीं मिलेगा, 30 सेकेंड से मैक्सिमम 2 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, उसमें आपके निके जवाब देने हैं। ठीक है, तो मैं आपकी जो लाइव चैट बॉक्स है उसमें मॉनिटर करूँगा कौन कौन कितने कैसे जवाब दे रहा है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आता है, सिंपल क्वेश्चन है, पढ़िए। अ कार इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल रोड, देयर फोर अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट ऑप्शन इज नो फोर्स इज बीइंग अप्लाइड बाय इट्स इंजन। फर्स्ट ऑप्शन इज नो फोर्स इज बीइंग अप्लाइड बाय इट्स इंजन। सेकेंड, अ फोर्स इज श्योरली बींग अप्लाइड बाय इट्स इंजन। थर्ड, एन एक्सिलरेशन इज बींग प्रोड्यूस्ड इन द कार। फोर्थ, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार इज इंक्रीजिंग। ओके, तो कौन सा सही होगा ये आप सोचिएगा। आपको टाइम दे रहा हूं 1 मिनट, विचार करें। कार इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑन रफ हॉरिजॉन्टल रोड, इसमें कुछ कीवर्ड है उन पर ध्यान दीजिए। देन देयर फोर अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, यस क्या होना चाहिए? कुछ बच्चे बी बता रहे हैं, हो सकता है ए हो सकता है, कुछ बच्चे यूनिफॉर्म वेलोसिटी है इसलिए ए सोच सकते हैं, वेलोसिटी यूनिफॉर्म है फोर्स नहीं लगेगा, ये सोच सोचा जा सकता है, कई बच्चे सोच रहे हैं। रफ हॉरिजॉन्टल रोड है, रफ रोड है, इस पर भी ध्यान देना। और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की बात कर रहा है। यस, फाइनली इसका आंसर है बी। क्या होगा कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है, रफ सरफेस दे रखी है, राइट? अब रफ सरफेस है तो फ्रिक्शन होगा, और इस फ्रिक्शन फोर्स को ओवरकम करने के लिए इंजन को क्या करना पड़ेगा, फोर्स अप्लाई करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो फोर्स नीडेड टू ओवरकम फ्रिक्शनल फोर्स, आंसर हो जाएगा बी बॉम्बे। नो फोर्स इज बीइंग अप्लाइड बाय इट्स इंजन, ये हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि यहां जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है ये मेंटेन करना है। जो लॉ होता है ना कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो उसमें कोई फोर्स की जरूरत नहीं पड़ रही, वो स्पेस में होता है। स्पेस में अगर हम कोई पार्टिकल को छोड़ रहे हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, वो चल रहा है और उसको रिटार्ड करने वाले कोई फोर्स है ही नहीं है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलती रहेगी वो ऑब्जेक्ट और उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, राइट? लेकिन आप सोचो, अगर फ्रिक्शन रफ सरफेस पर, रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर कोई कार चल रही है, तो क्या उसकी स्पीड यूनिफॉर्म रह पाएगी, वेलोसिटी यूनिफॉर्म रह पाएगी? नहीं रह पाएगी, फ्रिक्शन के कारण उसकी स्पीड धीरे धीरे कम होने लगेगी। तो उस जो स्पीड कम हो रही है उसको मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंजन को कुछ फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, इंजन को वर्क करना पड़ेगा, जिससे कि क्या होगा कि वो
वेलोसिटी मेंटेन रहे, राइट। तो इसका मतलब इंजन वर्क करेगा। अब एक्सीलरेशन होगा क्या? अब वेलोसिटी तो एक कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन होना नहीं है। काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी क्या? काइनेटिक एनर्जी भी वेलोसिटी में जब चेंज आता है तभी चेंज होती है, स्पीड में जब चेंज आता है तभी चेंज होती है। काइनेटिक एनर्जी चेंज इन स्पीड, तो यहाँ पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो स्पीड तो यूनिफॉर्म रहेगी तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं आएगा। ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। यूनिफॉर्म वेलोसिटी है इसलिए एक्सीलरेशन कार के अंदर नहीं होगा, ठीक है। आप कहेंगे कि फोर्स अप्लाई नहीं करना पड़ेगा इंजन को, करना पड़ेगा, तो फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन के कारण उसकी स्पीड धीमे धीमे कम हो रही है, तो जो धीमे धीमे स्पीड कम हो रही है उसको मेंटेन करने के लिए, उसको फिर से जितनी वेलोसिटी जितनी स्पीड थी उतनी तक पहुंचाने के लिए इंजन को वर्क करना पड़ेगा, फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। आंसर इज बी, गॉट इट? यस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन इज सिटिंग इन ए ट्रेवलिंग ट्रेन एंड फेसिंग द इंजन, ध्यान देना, ही टॉसेज अप अ कॉइन एंड द कॉइन फॉल्स बिहाइंड हिम। इट कैन बी कंक्लूडेड दैट द ट्रेन इज, फर्स्ट वन इज मूविंग फॉरवर्ड एंड गेनिंग स्पीड, सेकेंड मूविंग फॉरवर्ड एंड लूजिंग स्पीड, थर्ड वन मूविंग फॉरवर्ड विद यूनिफॉर्म स्पीड, एंड फोर्थ वन इज मूविंग बैकवर्ड विद यूनिफॉर्म स्पीड। यस, इसमें टाइम दूंगा 1 मिनट का, करिए जल्दी। पर्सन इज सिटिंग इन ए ट्रेवलिंग ट्रेन एंड फेसिंग द इंजन, इंजन की तरफ फेस करके बैठा हुआ है। ही टॉसेज अ कॉइन एंड द कॉइन फॉल्स बिहाइंड हिम, पीछे गिर रहा है। इट कैन बी कंक्लूडेड दैट, यस, फास्ट। बहुत से बच्चे बहुत जल्दी जल्दी आंसर दे रहे हैं और अच्छे आंसर दे रहे हैं, गुड। करिए करिए, गुड। हाँ, क्या होना चाहिए? यस, टाइम इज ओवर, करेक्ट, ए इज करेक्ट। जिन्होंने ए जवाब दिया है उनका ए सही है, मूविंग फॉरवर्ड एंड गेनिंग स्पीड। देखो क्या होता है, ऐसे सोचो कि ये ट्रेन का एक कंपार्टमेंट हो गया, एक छोटा सा मैं कंपार्टमेंट बना लूँ, ट्रेन की जगह ट्रक बना लूँ, चलो कोई दिक्कत नहीं, या चलिए ट्रेन ही बना लूँ, ओके, एक छोटा सा ट्रेन का कंपार्टमेंट हो गया, ये हो गया इसका इंजन, राइट। अब इंजन की तरफ फेस करके एक पर्सन बैठा हुआ है, अगर कॉइन पीछे की तरफ गिर रहा है इसका मतलब यह है कि कॉइन पर क्या लग रहा है? एक स्यूडो फोर्स लग रहा है, एफ पी मान लेता हूं, स्यूडो फोर्स लग रहा है। कौन सी डायरेक्शन में? बैकवर्ड डायरेक्शन में। वही स्यूडो फोर्स तो उसको पीछे धकेल रहा है कॉइन को। अच्छा, स्यूडो फोर्स कब लगता है? क्योंकि कंपार्टमेंट के अंदर कोई और फोर्स तो है नहीं, ठीक है, हम तो उसको धकेल नहीं रहे, कॉइन अपने आप पीछे जा रहा है, इसका मतलब उस पर कोई स्यूडो फोर्स लग रहा होगा, वो उसके पीछे ले जा रहा है। तो स्यूडो फोर्स कब लगता है, कौन सी डायरेक्शन में लगता है? स्यूडो फोर्स के बारे में 2 पॉइंट हैं आपको क्लास में बताया गया है। पहला पॉइंट है कि पूरा का पूरा सिस्टम एक्सेलरेट होना चाहिए, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नहीं चलना चाहिए। जिस डायरेक्शन में पूरा सिस्टम एक्सेलरेट होता है उस सिस्टम के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उन पर स्यूडो फोर्स उस एक्सेलरेशन के अपोजिट लगता है, राइट। तो इसका मतलब ट्रेन कहाँ जाना चाहिए? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहिए, और उसके कारण पीछे की डायरेक्शन में जितने पार्टिकल्स बैठ जितने भी पैसेंजर्स या और भी ऑब्जेक्ट हैं उन पर पीछे एक स्यूडो फोर्स लगेगा, तो उस स्यूडो फोर्स के कारण फ्रिक्शन जो कॉइन है वो कहाँ जा रहा है? पीछे गिर रहा है, राइट। अब इसकी 3 कंडीशन हो गई। देखो, अगर कोई कॉइन को ऊपर फेंके फिर से उसके हाथ में आ रहा है, ये कब होगा? जब ट्रेन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही हो तो उसके अंदर कोई एक्सेलरेशन नहीं है ट्रेन के अंदर। जब एक्सेलरेशन नहीं है इसका मतलब ये हो गया कि उस कॉइन पर या उसके अंदर कंपार्टमेंट के अंदर जितने पर्सन बैठे हुए हैं उन पर कोई स्यूडो फोर्स एक्ट नहीं करेगा, तो वो जहाँ हैं जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका तो उस पर कोई फोर्स है ही नहीं है, तो इसके लिए वो जैसा ऊपर जाएगा वैसे ही नीचे आएगा, एक ही सिस्टम में है सभी के सभी, ठीक है ना, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ होल्ड हो जाएगा वहाँ पर, क्योंकि एक्सेलरेशन ही है जो उसको आगे या पीछे कहीं ले जाएगा, ठीक है। दूसरा, अगर ये कॉइन आगे गिरता तो, अगर ये आगे गिरता तो स्यूडो फोर्स आगे लगना चाहिए था,
तो स्यूडो फोर्स आगे लगना चाहिए था। ये कब हो सकता है स्यूडो फोर्स आगे लगे? जब जो एक्चुअल फोर्स है वो कहां लगे? पीछे। ठीक है, इसका मतलब या तो गाड़ी आगे चल रही है, ट्रेन आगे चल रही है, लेकिन उसमें रिटार्डेशन हो रहा है। तो रिटार्डेशन कहां होता है? पीछे होता है। तो रिटार्डिंग फोर्स पीछे लगा तो स्यूडो कहां लगेगा? आगे। तो वो कॉइन कहां गिरेगा? आगे। तो अगर कार या ट्रेन आगे मूव कर रही है और रिटार्डिंग फोर्स लग रहा है उस पर, मीन्स उसमें ब्रेक लग रहे हैं, तो वो जो कॉइन आगे गिरेगा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो हाथ में ही आएगा, ऊपर फेंकेंगे हाथ में आ जाएगा। और अगर ट्रेन एक्सीलरेटेड मोशन में है, आगे जा रही है, तो स्यूडो पीछे लगेगा, ये इसमें होगा, राइट। तो आंसर फर्स्ट हो गया, मूविंग फॉरवर्ड एंड गेनिंग स्पीड। गेनिंग स्पीड मतलब एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेटेड है इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। नेक्स्ट थर्ड, अ ब्लॉक कैन स्लाइड ऑन अ स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा kept on the floor of a lift when the lift is descending with retardation a, then acceleration of block relative to incline kya hoga? Bolo, g plus a sin theta, ye theta hai, g minus a simple g sin theta aur g minus a sin theta. Yes, 30 second ka. ओके ओके ओके, सही है सही है सही है, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया है? ए, बिल्कुल सही है, जी प्लस ए साइन थीटा। क्या होता है कि यहाँ पर मेरे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, कितना एंगल का इंक्लाइंड प्लेन है? थीटा एंगल का, राइट। अब ब्लॉक इस स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन पर स्लाइड होना है, स्लाइड होना है तो बताइए इधर कौन सा एक्सेलरेशन लगेगा? बिल्कुल सही है, जी साइन थीटा, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। इधर इधर लगता है जी, तो ये लगता है जी साइन थीटा। ये है तब जब ये पूरा का पूरा सिस्टम कहाँ पर है? लिफ्ट के अंदर रेस्ट में है, रेस्ट में हो अगर तब। मान लीजिए ये रेस्ट में नहीं है, तब क्या होगा? ये पूरा का पूरा सिस्टम कहाँ है? ये हम ऐसा मान लेते हैं कि एक लिफ्ट का पार्ट है, लिफ्ट के अंदर है, और उसने कहा ये लिफ्ट की फ्लोर पर है, ये लिफ्ट की फ्लोर हो गई, ऐसे इस फ्लोर पर रखा हुआ है। लिफ्ट डिसेंड हो रही है विद रिटार्डेशन ए, मतलब लिफ्ट नीचे आ रही है विद रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है? नेगेटिव एक्सीलरेशन, नेगेटिव। तो इसका रिटार्डेशन हो रहा है, तो अब इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन बताना है। तो लिफ्ट अगर डिसेंड हो रही है तो इस जी की जगह पर क्या आएगा? बस जी को ही रिप्लेस करना है, तो फिर एक्सेलरेशन, जो नया एक्सेलरेशन ए डैस आएगा, वो आएगा जी माइनस ए और साइन थीटा। ठीक है, नीचे आती है लिफ्ट तो जी माइनस ए आता है, बिल्कुल सही। लेकिन इस प्रॉब्लम में रिटार्डेशन दिया है, तो इस ए की जगह माइनस ए रिप्लेस करना पड़ेगा, तो जी प्लस ए साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये आंसर होना चाहिए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, बोलो जल्दी से। 60 kg man stands on a spring scale in the lift. At the some instant, he finds scale reading has changed from 60 kg to 50 kg for a while and then comes back to the original mark. What would we conclude? The lift is in constant upward motion. The lift was in constant motion downward. The lift while in constant motion upward is stopped suddenly. The lift while in constant motion downward is suddenly stopped. क्लास में ऐसा समझाया था क्वेश्चन, तो मेरे ख्याल से करवाया भी था, आपको याद है कि नहीं ये, इसलिए मैंने फिर से रिपीट कर दिया है। जल्दी से जवाब दीजिए कौन सा आंसर होगा। ये 60 kg मैन है, स्प्रिंग स्केल पर खड़ा है लिफ्ट के अंदर। At some instant he finds scale reading has changed from 60 से उसकी रीडिंग हो गई है कितनी? 50 kg। और फिर उसके बाद ओरिजिनल मार्क पर आ जाती है। बताइए क्या आंसर होगा, क्या कंक्लूड करेंगे हम? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से बोलो। यस, कुछ सही जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल सही है। यस, सही आंसर क्या होगा मैं आपको बताता हूं, बिल्कुल सही सही आंसर होगा सी। ठीक है,
वाइल लिफ्ट इज इन लिफ्ट इन कॉन्स्टेंट मोशन अपवर्ड इज स्टॉप्ड सडनली, ऐसा क्यों? जब ये लिफ्ट ऊपर जा रही होगी तो अपेरेंट वेट क्या होगा, एम जी प्लस ए मीन्स इसमें क्या होगा, बढ़ना चाहिए, ठीक है। अपवर्ड मोशन में क्या होता है, एम जी प्लस ए। अगर लिफ्ट अचानक रुक जाए अपवर्ड जाते हुए तो रुक जाएगी, तो रुकेगी तो ऊपर जा रही है, मतलब रिटार्डेशन होना चाहिए तभी तो रुकेगी। इसका मतलब एम जी प्लस ए की जगह क्या आएगा, एम जी माइनस ए, तो ये आ जाएगा अपेरेंट वेट एम जी माइनस ए अपवर्ड, राइट। अब एक्सिलरेशन की जगह रिटार्डेशन हो गया, इसलिए यहां पर हमने अपवर्ड मोशन में भी माइनस ए लिया है। इस प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है, स्केल रीडिंग कितनी थी इनिशियली, 60 केजी थी, राइट। अब अचानक एक जर्क लगा तो रीडिंग क्या हुई, डिक्रीज हुई, और फिर फाइनली कम्स बैक टू द ओरिजिनल, दैट इज 60 केजी। तो हम ये कह सकते हैं कि लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही थी, पहले कांस्टेंट स्पीड से जा रही थी, मतलब उसका जो वेट है वो कितना रहा होगा, 60 केजी रहा होगा, कांस्टेंट स्पीड से ऊपर जा रही है, ठीक। अब ऊपर जाते हुए अचानक रुकी, अचानक जैसे ही रुकी तो रुकने के लिए उसकी स्पीड कम होना चाहिए, मतलब रिटार्डेशन होना चाहिए, रिटार्डेशन होना चाहिए, तो ऊपर जाते हुए भी फॉर्मूला लगेगा एम जी माइनस ए, तो इसलिए एम जी माइनस ए मतलब वेट कम हो गया, वेट कम हो गया तो कितना हो गया, 60 से 50 हो गया, रुक गई तो फिर से उतना ही हो गया। आंसर हो गया सी, ओके। क्या वो रख दिया, चलो ठीक है, चाबी होगी, देखें। यस, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखें। व्हेन ए बॉडी इज एक्टेड बाय ए कांस्टेंट फोर्स, एक बॉडी पर कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, सिंपल क्वेश्चन जल्दी से बताओ, देन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज रिमेन्स कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट है तो क्या कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, मोमेंटम कांस्टेंट, नन ऑफ दीज, यस विच वन इज राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड कॉमन क्वेश्चन एंड वेरी वेरी इजिएस्ट क्वेश्चन, यस इजिएस्ट क्वेश्चन इन द वर्ल्ड, जल्दी बोलो क्या आंसर होगा, कॉन्स्टेंट फोर्स देन वॉट रिमेन्स कॉन्स्टेंट, आपका आंसर सही है, बच्चों वाला क्वेश्चन है ना, नाइन्थ में पढ़ते हैं, एक्सिलरेशन एफ इक्वल टू एम ए होता है, तो एफ कॉन्स्टेंट है तो एक्सिलरेशन भी कॉन्स्टेंट होगा। चलिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स, अ मैन ऑफ वेट एम जी इज मूविंग अप इन अ रॉकेट विद एक्सिलरेशन 4g, द अपेरेंट वेट ऑफ द मैन इन द रॉकेट कितना होगा, मैन एम जी वेट है उसका, रॉकेट ऊपर जा रहा है 4g एक्सिलरेशन से, अपेरेंट वेट बोलो जल्दी से, लिफ्ट वाला क्वेश्चन है ये, सिंपल सिंपल इसलिए दे रहा हूँ कि ये पहला क्विज ले रहा हूँ ऑनलाइन, इसलिए आगे धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, यस बोलो जल्दी से फटाफट, 11th फाउंडेशन का बैच है इसलिए भी, यस जल्दी से, ओके आपका आंसर बिल्कुल सही है, आर एक सी आंसर सही है ना, 5 mg कैसे हो जाएगा, लिफ्ट का केस है, ऊपर एक्सेलरेट हो रही है लिफ्ट, मतलब रॉकेट और लिफ्ट एक ही बात हो गई, ऊपर लिफ्ट एक्सेलरेट हो रही है, तो हम क्या निकालते थे, एम जी प्लस ए, आंसर हो जाएगा 5 mg, ओके। नेक्स्ट सेवंथ क्वेश्चन, सेवंथ क्वेश्चन इज, ये इसमें टाइम दूंगा मैं आपको ओनली 1 मिनट का, पढ़िए और आंसर बताइए, स्प्रिंग बैलेंस एंड फिजिकल बैलेंस आर कैप्ट इन ए लिफ्ट, तो आप सोचिए स्प्रिंग बैलेंस क्या होती है, फिजिकल बैलेंस क्या होती है, ओके, आर कैप्ट इन ए लिफ्ट, इन दीज बैलेंसेज इक्वल मासेज आर प्लेस्ड, इफ नाउ द लिफ्ट स्टार्ट्स मूविंग अपवर्ड विद कॉन्स्टेंट एक्सिलरेशन, देन फर्स्ट ऑप्शन रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस विल इंक्रीज एंड द इक्विलिब्रियम पोजिशन ऑफ फिजिकल बैलेंस विल डिस्टर्ब, सेकेंड द रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस विल रिमेन अनचेंज्ड एंड फिजिकल बैलेंस विल रिमेन इन इक्विलिब्रियम, थर्ड द रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस विल डिक्रीज एंड फिजिकल बैलेंस विल रिमेन इन इक्विलिब्रियम, द रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस विल इंक्रीज एंड फिजिकल बैलेंस विल रिमेन इन इक्विलिब्रियम, जल्दी से बोलो क्या आंसर होगा,
सोचो स्प्रिंग बैलेंस किस पर बेस्ड है, फिजिकल बैलेंस किस पर बेस्ड है, फिर आंसर आ जाएगा। सोचो जल्दी से, स्प्रिंग बैलेंस वही होती है ना, सिलेंडर मेजर, सिलेंडर का वेट मेजर करते हैं ऊपर लटका के उसको, यही तो है। और तराजू जो होता है वो फिजिकल बैलेंस है, लिफ्ट में रखे हैं दोनों। जल्दी से बोलो क्या आंसर होगा। बिल्कुल सही बताया, डी दिल्ली। ठीक है, रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस इंक्रीज होगा और फिजिकल बैलेंस का इक्विलिब्रियम में रहेगा। क्यों, क्या होता है, लिफ्ट जब ऊपर जाएगी तो फिक्टिशियस फोर्स जिसको हम कहते हैं स्यूडो फोर्स नीचे लगेगा। लिफ्ट ऊपर एक्सीलरेट हो रही है, स्यूडो फोर्स नीचे लग रहा है, फिक्टिशियस फोर्स मतलब स्यूडो फोर्स राइट डाउनवर्ड लगेगा। अब जो फिजिकल बैलेंस है उसके तो दो पैन हैं, दो पलड़े हैं, उन दोनों पलड़ों पर सेम लगेगा नीचे, सेम फिक्टिशियस नीचे लगेगा, सेम स्यूडो नीचे लगेगा, तो वो तो बैलेंस रहेगी। दो पलड़े होते हैं ना, एक नीचे ऐसे लटका रहता है, तो वो तो बैलेंस रहेगी ना, ऊपर नीचे जाएगी नहीं, क्योंकि इस पलड़े पर दोनों पैन पर सेम वेट नीचे लग रहा है, जो भी इंक्रीज हो रहा है नीचे दोनों पर हो रहा है। लेकिन फिजिकल बैलेंस में तो एक ही पैन होता है, उसमें हम अगर कोई वेट रख रहे हैं और उस पर फिक्टिशियस फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है तो स्प्रिंग में स्ट्रेच आएगा, स्प्रिंग स्ट्रेच होगी, एक्सटेंड होगी, मतलब उसकी रीडिंग बढ़ेगी राइट। तो इसलिए डी आंसर आएगा। यस, क्वेश्चन नंबर जल्दी से देखें, 8th। As shown in figure, two equal masses each of 2 kg are suspended from a spring balance. The reading of spring balance will be, जल्दी से बोलो, ये स्प्रिंग बैलेंस है, ये 2 kg, इधर भी 2 kg, दोनों तरफ लटकाए गए हैं, तो स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग क्या आंसर आएगा। अरे ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, जल्दी से बता दोगे। बिल्कुल सही आंसर, इसमें ज़्यादा समय नहीं दूंगा। क्या आंसर आ रहा है, 2 kg, बिल्कुल सही आपका आंसर है, बी बॉम्बे। यस, क्यों 2 kg है, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे ना तो ये 2 kg, इसमें टेंशन हो गया टी, नीचे हो गया 2g, अच्छा ये टेंशन यहाँ पर भी वही रहेगा टी, इधर आप देखोगे 2g टेंशन हुआ टी, यहाँ भी टेंशन हुआ टी, तो दोनों तरफ टी टी टेंशन लग रहा है। टी इक्वल टू है कितना, 2g राइट, इधर भी टी इक्वल टू 2g है, तो हम ये कह सकते हैं कि एक जो टी इक्वल टू 2g है वो तो किसका काम करेगा, सपोर्ट का, जैसे वॉल होती है, और दूसरा जो टी इक्वल टू 2g है वो इसके अंदर स्प्रिंग के अंदर टेंशन क्रिएट करेगा, वही टेंशन ही तो स्प्रिंग की रीडिंग होती है, और वो कितनी आएगी, इस टेंशन के बराबर, 2g के बराबर, तो आंसर इज 2 kg। ठीक है, एक्चुअली स्प्रिंग बैलेंस 2g नहीं पड़ती, ओनली 2 पड़ेगी, 2g तो न्यूटन में हो गया, वो पड़ेगी 2 kg राइट, kg में। यस, क्वेश्चन नंबर 9th, फटाफट करते हैं। अ प्लेयर किक्स अ फुटबॉल ऑफ मास 0.5 kg एंड द फुटबॉल बिगिंस टू मूव विद वेलोसिटी ऑफ 10 m/s इफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लेग एंड द फुटबॉल लास्ट फॉर 1/50 s, देन फोर्स एक्टेड ऑन द फुटबॉल शुड बी, जल्दी से बोलो क्या आंसर होगा। 2500 newton, 1250 newton, 250 newton या 625 newton, बिल्कुल क्या आंसर आ रहा है, जल्दी से बोलो। यस, निकाल लिया, ओके, आंसर इज सी, बिल्कुल सही आपने निकाला, सी। फोर्स कैसे निकलने करेंगे, फोर्स ऑन फुटबॉल क्या होता है, mdv/dt, ma होता है, एक को dv/dt मैंने लिख दिया राइट, बस इसमें वी को लिख लो, डेल्टा वी को लिख दो, v2 - v1/δt, तो m हो गया 0.5 kg दिया है, v2 फाइनल कितना था 10 m/s, ये जीरो था इनिशियल, टाइम है 1/50 कॉन्टैक्ट टाइम, और ये हो गया आंसर 250 newton, बिल्कुल सही। 10th क्वेश्चन जल्दी से देखो, थोड़े से क्वेश्चन और हैं बस। यस, इसके बाद है, द इंजन ऑफ द जेट एयरक्राफ्ट अप्लाइज अ थ्रस्ट फोर्स ऑफ 10^5 N ड्यूरिंग टेक ऑफ एंड कॉजेज द प्लेन टू अटेन वेलोसिटी ऑफ 1 km/s इन 10 seconds, द मास ऑफ द प्लेन इज, जल्दी से बोलो, 10^2 kg, 10^3 kg, 10^4 kg या 10^5 kg, फास्ट करो फास्ट।
देखें कौन जल्दी फास्ट करता है, फास्ट करो। बच्चों वाले क्वेश्चन दे रहा हूं आज तो, सिंपल सिंपल, बिल्कुल सिंपल। यस, आपका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, कर लिया सभी ने दो फाइनल आंसर। ओके, आंसर इज बी बॉम्बे। करेंगे कैसे, कर लोगे क्या बोलो, कर लिया सभी ने? अरे इसमें भी 10^5 न्यूटन का थ्रस्ट लग रहा है, ये फोर्स है, और ये प्लेन को 1 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड देता है 10 सेकंड में, तो ये भी एफ इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये आपको 1 किलोमीटर पर सेकंड है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए, ये टाइम दे रखा है और मास निकालना है, तो एफ इक्वल टू अभी जो किया था एम डी वी ओवर डी टी, इसमें भी आप लगा सकते हैं। एफ की वैल्यू कितनी है देखो, 10^5 न्यूटन, राइट, ये थ्रस्ट हो गया। एम की वैल्यू कितनी है निकालनी है, डी वी चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ 1 किलोमीटर पर सेकंड, तो 1000 ले लेता हूँ मीटर पर सेकंड, राइट, यही तो चेंज आएगा, अपॉन कितने टाइम में 10 सेकंड में, तो ये कैंसिल हो गए, राइट, इधर 10^5 है, इधर 100 है, तो मास कितना हो गया 10^3 kg। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन दे रहा हूँ। यस, और थोड़े से बेसिक क्वेश्चन देख लें जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 11, अ फोर्स ऑफ 50 डाइन्स इज एक्टेड ऑन बॉडी ऑफ मास 5 ग्राम विच इज एट रेस्ट ऑन एन इंटरवल ऑफ 3 सेकेंड्स, देन इम्पल्स विल बी, जल्दी बोलो इम्पल्स क्या होगा। यस, ये जो ये इंटू है यहाँ पर, ये इंटू है, ये सब इंटू बनेंगे, जल्दी से निकालो, मैं यहाँ इंटू बनाता हूँ, तब तक आप आंसर बताओ। यस, बिल्कुल सही आंसर आपका आ रहा है, मैं आंसर दे रहा हूँ, सी आंसर होगा, इम्पल्स इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम होता है, जस्ट आपको मल्टीप्लाई ही तो करना है। ठीक है, फोर्स क्या बन गया, 50 डाइन दिया है, उसको न्यूटन में कन्वर्ट कर दो 10^5, -5 से मल्टीप्लाई करके इंटू 3 सेकेंड, ठीक है, इस मास का कोई मतलब नहीं रहा, तो आंसर सी बिल्कुल सही। यस, क्वेश्चन नंबर 12, केवल 15 क्वेश्चन है, ठीक है, 3 क्वेश्चन और बचे हैं, और जरा जल्दी आंसर दीजिए। टू वेट्स W1 एंड W2 आर सस्पेंडेड फ्रॉम एंड्स ऑफ लाइट स्ट्रिंग पासिंग ओवर ए स्मूथ फिक्स पुली, इफ द पुली इज पुल्ड अप एट एन एक्सिलरेशन जी द टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी, बोलो ये गेम चल रहा है, कौन बनेगा डॉक्टर और कौन बनेगा इंजीनियर, हाँ देखते हैं कौन कौन इंजीनियर और कौन कौन डॉक्टर बनेंगे। बिल जल्दी से बोलो, अच्छा डायग्राम बना दूँ, चलो ये आंसर ही दे दिया मैंने, अच्छा ये तो सिंपल है, कर लोगे ना, अब चूंकि आ ही गया है तो मैं इसको फिर सॉल्यूशन दे ही देता हूँ, इसका आंसर बिल्कुल ए है, और ये भी क्लास में करवाया था। टू वेट्स एंड W1 W2 इस तरह से एक स्मूथ पुली से सस्पेंडेड है, ये हमारे पास एक स्मूथ पुली है, यहाँ पर एक W1 और ये वाला एक W2 सस्पेंडेड है, इसमें टेंशन पुली को, इफ द पुली इज पुल्ड अप एन एक्सिलरेशन जी, इस पुली को हम ऊपर ऐसे पुल कर रहे हैं जी एक्सिलरेशन से, राइट, तो उसमें बताना है कि कितना टेंशन हो जाएगा। यस, आंसर इज ए, क्या होगा, हमारे पास फार्मूला होता है 2m1m2/m1+m2 इंटू जी, कब होता है, जब ये पुली रेस्ट में होती है, रिजिड सपोर्ट से बंधी हो, लेकिन अगर ये ऊपर जा रही है तो फिर कौन सा ये हो गया केस, लिफ्ट का केस हो गया, ऊपर जा रहा है एक्सिलरेशन से, तो ये हो गया, यहाँ पर देखो G+A, बस जो हम G लिखते हैं उसकी जगह लिखना पड़ेगा G+A, अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है या हम इसको ऊपर खींच रहे हैं तो, राइट, ए एक्सिलरेशन से, अब कितने से खींच रहे हैं, ए इक्वल टू जी से ही तो खींच रहे हैं ना, तो ए की जगह जी पुट करोगे तो G+G कितना हो गया, ये यहाँ पर 2G हो गया, राइट, तो 2G और 2 ये 4 हो गया, 4m1m2/m1+m2 × g, और इसको वेट के टर्म में लिखेंगे, जी हटा दीजिए तो 4W1W2/W1+W2, अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। यस, नेक्स्ट इज क्वेश्चन 13, जल्दी से देखो, दो क्वेश्चन और हैं लास्ट। द मासेज ऑफ 10 kg and 20 kg रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड बाय मासलेस स्प्रिंग एज शोन इन फिगर, अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन एक्ट्स ऑन द 20 kg मास एट दैट इंस्टेंट शोन
The 10 kg mass has acceleration 12 meter per second square. What is the acceleration of 20 kg mass? Your options are 12 meter per second square, 4 meter per second square, and 10 meter per second square and 0. Diagram will be, yes, this simple diagram. ये 10 kg block, ये 20 kg block, बीच में spring connected है, 200 newton के force से pull कर रहे हैं. पढ़िए answer बताइए. The masses of 10 kg and 20 kg respectively, ये यहाँ massless spring से connected है. Force 200 newton का act हो रहा है कितने पर? 20 kg mass पर. 10 kg mass का acceleration दिया हुआ है 12 meter per second square. तो 20 kg का एक्सेलरेशन कितना होगा, ये भी क्लास में करवा दिया था, जस्ट रिपीट किया है मैंने आपको ये चेक करने के लिए. आप लोग क्लास के भी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, जल्दी से करो. यस, सही आंसर है इसका. बोलूं फास्ट करना पड़ेगा सभी को, सभी को फास्ट होना पड़ेगा. ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी है, जस्ट 11th की तैयारी नहीं है. 11th में तो टाइम बहुत रहता है, 3 घंटे का पेपर होता है. आराम से घर पे बैठ के करते रहो, मतलब स्कूल में बैठ के करते रहो, है ना. वहाँ तो आपको 1 घंटे में नीट में 45 क्वेश्चन करने हैं, जेई मेंस में 20-25 क्वेश्चन करने हैं. यस, नेक्स्ट इसका आंसर है बी, बिल्कुल सही है. देखो क्लास का क्वेश्चन है, क्लास में करवा दिया था, क्लास रूम क्वेश्चन. बी इसका आंसर है, एज द मास ऑफ 10 केजी एक्सेलरेशन, कितना है इसका 10 केजी का एक्सेलरेशन? 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है. तो इस पर जो फोर्स अप्लाई होगा वो कितना हो रहा होगा, सोचो. एक्सेलरेशन से फोर्स बना सकते हैं कि इस पर कितना फोर्स अप्लाई हो रहा होगा. बिल्कुल सही, एफ इक्वल टू एम ए कर लो. एम 10 है और एक्सेलरेशन 12 है, तो 120 न्यूटन का फोर्स इस पर लग रहा होगा. अब 200 में से 120 तो उसको मिल गया, ठीक है. तो 120 न्यूटन फोर्स क्या होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में. ये 20 यहां पर लगाएगा 120 का, तो इधर भी लगेगा कितना, 120 का न्यूटन. थर्ड लॉ से इधर लगा 120 का, इधर तो इधर लगा 120 का. अब देखो इस 2 केजी पर सोचो, 200 न्यूटन का इधर लग रहा है, 120 का पीछे लग रहा है, तो नेट फोर्स 20 पर कितना लगा, 80 न्यूटन. बिल्कुल सही. तो इसका एक्सेलरेशन फिर क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू नेट फोर्स दैट इज 80 डिवाइड बाय 20, यानी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ओके, यस. सेकंड लास्ट क्वेश्चन, टू मासेस एम एंड स्मॉल एम कनेक्टेड बाय वेटलेस स्ट्रिंग, दे आर पुल्ड बाय फोर्स एफ ऑन फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस, द टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी. बोलिए, ये ऑप्शन है. अच्छा, आंसर भी आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है. यस, कौन सा आंसर होगा, बोलो. द टू मासेज एम एंड स्मॉल एम कनेक्टेड बाय वेटलेस स्ट्रिंग, दे आर पुल्ड बाय फोर्स. अब चूंकि आंसर आ ही गया है तो मैं इसको एक खुद ही टिक कर देता हूँ, एफ एम अपॉन एम प्लस कैपिटल एम. कैसे होगा, अब ये आप लोग सोच लो जरा. टू मासेज कैपिटल एम और स्मॉल एम, स्मॉल एम कैसे कनेक्टेड हैं, स्ट्रिंग से कनेक्टेड हैं, और इनको हम एफ फोर्स से पुल कर रहे हैं, तो टेंशन कितना होगा. ये तो बड़ा बच्चों वाला क्वेश्चन, मैंने आपको क्लास में ऐसे तो कम से कम 20-25 क्वेश्चन आपने बहुत टिपिकल क्वेश्चन किए हैं, सबसे इजीएस्ट मैंने ये दे दिया है, ठीक है ना. तो ये एफ फोर्स लगा, यहाँ टेंशन पूछा है, और ये कैपिटल एम हो गया, ये स्मॉल एम हो गया मान लीजिए, राइट. क्या आंसर हो जाएगा, तो ये सोचो टी किसको खींच रहा है, एम को, तो टी इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल एम इंटू ए, और कैपिटल एम इंटू ए सॉरी ए का वैल्यू क्या होगा, नेट फोर्स डिवाइड बाय मास एम प्लस स्मॉल एम, ये आंसर है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 15, चलिए करिए इसको, लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए. इन द एडजॉइनिंग फिगर एम वन इक्वल टू 4 एम टू, ये M1 है यहाँ पर, ये M2 है, और क्वेश्चन में बोला गया है कि M1 इक्वल टू है कितना, 4M2. द पुलीज आर स्मूथ एंड लाइट एट T इक्वल टू 0, द सिस्टम इज एट रेस्ट, पूरा सिस्टम रेस्ट में है.
इफ द सिस्टम इज रिलीज्ड एंड द एक्सेलरेशन ऑफ मास m1 इज a, m1 का मास a है, एक्सेलरेशन m1 का a है, देन एक्सेलरेशन ऑफ m2, m2 का एक्सेलरेशन कितना होगा? करो, आपके ऑप्शन है ये, यस गो फास्ट, गो फास्ट, ओके सही है आपका आंसर, आंसर इज डी, ठीक है, अगर आपने सही लगाया है डी तो आंसर डी होगा। देखो एम टू मास एम वन इक्वल टू फोर एम टू दिया है, ठीक है, एम वन इक्वल टू क्या दिया है, फोर एम टू, राइट, तो एम वन नीचे आ रहा होगा, एम टू ऊपर जा रहा होगा। अगर हम यहां पर देखें, बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है, यहां एक्चुअली एक रिलेशन होता है कि जो टेंशन होता है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एक्सिलरेशन होता है, ये आप याद रख लो, एक्सिलरेशन या बोल सकते हो एक्सिलरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टेंशन। इसको थोड़ा मिटा के मैं यहां टेंशन बनाऊं, अच्छा इसमें टेंशन बता सकते हो कितना होगा, टी, बिल्कुल सही है, इसमें कितना होगा, टी, यहां से यहां तक ये स्ट्रिंग गई है तो इसमें भी कितना होगा, टी, एक ही स्ट्रिंग है, अच्छा इस वाले ब्लॉक में कितना होगा, इसमें ये टी है, ये टी है, तो यहां पर कितना होगा, टू टी, और इस ब्लॉक के लिए ऊपर टू टी होगा, ठीक है। अच्छा अब हम देखें M1 ब्लॉक जिस स्ट्रिंग से बंधा है उसका टेंशन कितना है, 2t, ठीक है, और M1 का एक्सेलरेशन दिया कितना है, a दिया है, बिल्कुल सही है। अब M2 ब्लॉक जिस स्ट्रिंग से बंधा है उस स्ट्रिंग का टेंशन कितना आया, t, मतलब टेंशन क्या हो गया, हाफ हो गया है, तो बताइए एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल, ये सिंपल सी ट्रिक लगा लिया करो, जिस ब्लॉक ब्लॉक में जो रस्सी बंधी है वहां पर उस ब्लॉक का टेंशन आप निकालो, टेंशन अगर डबल हो गया है तो एक्सेलरेशन आधा हो जाएगा, टेंशन हाफ हो गया है तो एक्सेलरेशन डबल हो जाएगा। देखो M1 से जो यहां पर रस्सी बंधी है ये वाली, इसमें टेंशन डबल आया तो एक्सेलरेशन, एक क्वेश्चन में दिया था, यहां टेंशन क्या हो गया, हाफ हो गया टी इस वाली रस्सी में, तो इसलिए एक्सेलरेशन डबल हो जाएगा, आंसर इज टू है। तो याद रखिए एक्सेलरेशन इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेंशन, राइट, ओके। तो ये आज पूरे क्वेश्चन हो गए हैं 15, तो एक छोटी सी शुरुआत की है मैंने, आगे हम और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लेंगे और बीच बीच में करते रहेंगे, ओके, थैंक यू।